वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। प्यारे मित्रों, आप सभी वाकिफ हैं कि पिछले 2 वर्षों से टूरिस्ट का और टैक्सी का काम, जो कारोबार है, बिल्कुल समाप्त हो चुका है। आज तकरीबन हमारे दोस्तों की गाड़ियां जो हैं फाइनेंस हैं, चाहे वो गाड़ी फाइनेंस हो या कोई घर के सामान जो हैं वो फाइनेंस हो। हमारे बहुत से साथियों के जेवर आज बहुत सी कंपनियों के पास गिरवी पड़े, चाहे वो किस्त लेने के लिए दिए हों उन्होंने कि हाँ छुड़ा लेंगे, या उन्होंने इंश्योरेंस करवाने के लिए, फिटनेस करवाने के लिए, स्पीड गवर्नर या पैनिक बटन लगवाने के लिए दिए। हम लोग लगातार प्रयास करते रहे और ये सोचते रहे कि कैसे हम इसे उभर पाएंगे, और हमने कहा कि चलो आज नहीं तो कल हमारा ये काम ठीक हो जाएगा, क्योंकि पहले हम लोग अच्छी खासी रोटी, ठीक ठाक रोटी खाते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारा बिजनेस अच्छा था और ओला उबेर जब आई तो उसने भी बिजनेस अच्छा किया और उसने अच्छा प्रलोभन दिया, जिससे जो पढ़े लिखे लोग थे वो भी, मैं मूर्ख भी कह सकता हूँ, या उनको ठगा गया, मूर्ख ना कहें तो ये कह दें उनको ठगा गया, उनको प्रलोभन दिखाया गया। और वो लोग भी, बहुत से ऐसे मित्र जिनको टैक्सी का जानकारी नहीं थी, वो भी टैक्सी में आ गए, और जो लोग पहले काम कर रहे थे उनका काम भी चला गया। आप कहोगे भाई साहब ये क्या बात कर रहे हो आप। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि आज कोरोना काल के अंदर गाड़ियाँ पकड़ी जाती हैं बैंक द्वारा। अभी 5 दिन पहले का वाक्य है, हमारे एक साथी हैं, मित्र हैं, वो मधुबनी जा रहे थे अपने परिवार के साथ, गोपालगंज बैरियल के ऊपर उनको बैंक वाले रोक लेते हैं। परिवार उनके साथ है, वो व्यक्ति हैं, वो भी आदमी हैं, मानुष्य हैं, लेकिन कहते हैं ना कि मेज़ के इस तरफ और मेज़ के उस तरफ आने में आदमी का सोचने का नज़रिया बदल जाता है। उन्होंने उस महिला की, उस बच्चे की कदर नहीं करी और उनको गाड़ी से उतार दिया और गोपालगंज हाईवे से 20 किलोमीटर दूर गांव के पास पार्किंग में जाकर गाड़ी खड़ी कर दी। गोपालगंज थाने में संपर्क किया, कोई नंबर नहीं था, SP महोदय का नंबर था, SP साहब से बात की गई, उन्होंने एक सब इंस्पेक्टर को भेजा, सब इंस्पेक्टर आया, बिहार के बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप लोग सभी लोग भली भांति वाकिफ है कि वहाँ किस तरह का राज चलता है। वो गाड़ी उसको नहीं मिली। मैं कानून, मैं प्रशासन, मैं नेतागण से, मैं सभी से पूछता हूँ कि क्या उसके परिवार का क्या कसूर था, जहाँ उस परिवार के सामने वो आदमी बेइज्जत हुआ, बच्चों के सामने बेइज्जत हुआ, क्या उसने बैंक का पैसा नहीं दिया, क्या वो हिंदुस्तान छोड़ के भाग जाता, क्या उसने कभी काम नहीं करना था, पैसा नहीं देना था? ये जो सिस्टम है इसको रोकेगा कौन? आज हम कंप्लेन करते हैं, हमारी कंप्लेन पे आदमी बंद भी हुए हैं, लेकिन पुलिस वाला छूटते क्या बोलता है, जैसे सब कुछ उसको अधिकार हो, बोला तने किस्त नहीं भरी होगी, आपने पैसे नहीं दिए होंगे, बैंक वाले तो लेके जाएंगे, जब पैसे नहीं दोगे, हमें भी पता है बैंक वाले लेके जाएंगे, कोर्ट की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के बाद दोस्तों हम लोग कहते हैं संगठित रहें। आप अगर आप संगठित हों, दिल्ली में, NCR में, पूरे भारत में, किसी फाइनेंसर की ये मजाल नहीं कि आपसे कुछ ले जाए। आज आप देखते हैं कि वकील अच्छा खासा कमाते हैं और बिल्कुल नहीं कमाते, दोनों कैटेगरी हैं वकीलों की, लेकिन उनकी बार काउंसिल है, हमारा परिवहन आयोग नहीं है। पुलिस की, आप वकील की अगर किसी की मुकदमा करने जाओगे तो कहेंगे बार काउंसिल में मुकदमा करो। आपको जानकारी दे दूं मैं, हमारा मुकदमा एक सवारी कंप्लेन कर दे कि सरदार जी ये काम कर गए, फट आके वो कंप्लेन हो जाएगी और उठा के ले जाया जाएगा। अगर हमारा परिवहन काउंसिल हो, परिवहन आयोग हो, तो हमें भी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं, वो कहेगा काउंसिल में कंप्लेन करो। आप क्यों नहीं करते, ये आपके हाथ में है, जुड़ना ही तो है मात्र। मेरे मित्रों, ये नंबर आपको दिख रहा है, इसमें सदस्यता लें आप, 10 रुपये प्रति माह चंदा आप देना शुरू करें इसी पेटीएम पर, जिससे हम लोग अपने इन जो जालिम लोग हैं, जो सरकार तंत्र है, जो फाइनेंस तंत्र है, हम अपना वकील खड़ा करके इनसे लड़ाई लड़ सकें। आज अकेला इंद्रजीत और अकेले आप, जी हाँ मैं आपकी बात कर रहा हूँ जो आप वीडियो देख रहे हैं, आप में इतनी सक्षमता नहीं है कि आप वकालत करें और वकील के लफड़े में पड़ें, लेकिन आपका जब एक परमानेंट वकील बन जाएगा या आपकी काउंसिल होगी तो टीम होगी वकीलों की आपके पास, और आपने खर्च कुछ नहीं करना,
एक वर्ष का 500 रुपए देकर आप यह सुविधा ले सकते हैं और वो 500 रुपए भी रिफंडेबल आपका। फैसला आपका है मेरे मित्रों। मैंने सिर्फ आपको इसलिए बोला कि हमारी गाड़ियां उठ रही हैं, जिसकी गाड़ी उठ जाती है उससे पूछ के देखो उसके मन पे क्या गुजरती है। आज मेरी गाड़ी की किस्त नहीं गई, मुझे जब भी कोई फोन आता है मेरे दिमाग में आता है कि यार ये बैंक वाले का फोन ना हो। ये आपके साथ भी बीतती है। हम बैंक वाले का फोन सुनते हैं, सर बाद में करता हूं, या उसकी गालियां सुनते रहते हैं सुनते रहते हैं सुनते रहते हैं। हमसे छोटी उम्र का आदमी हमें पता नहीं कितनी ढेरों गालियां दे जाता है, हम बेबस होकर फोन को नीचे रख देते हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर ये घर ना आ जाए। घर हमारी माँ भी है, बहन भी है, लुगाई भी है, बच्चे भी हैं, पड़ोसी भी हैं। जब वो गली में खड़ा होकर बोलता है तेने पैसे नहीं दिए, तो आप सोचे कि आप वहां ये सोचते हैं कि धरती फट जाए, मैं धरती में समा जाऊं। इतना सब कुछ करने के लिए मात्र एक मुट्ठी की तो जरूरत है। आज हमारे साथ इतनी परेशानी है, आज उद्योगपतियों का करोड़ों अरबों डॉलर रुपया माफ कर दिया गया। आपका क्या माफ हुआ भाई? हमने ट्वीट किया, हमने मेल करी, हमने कहा हम सारा पैसा सूद समेत देंगे, पर 31 दिसंबर 2022 तक हमें कोई फोन नहीं आना चाहिए फाइनेंसर का। हमसे आप पैसा चाहते हैं, हमारे कहने से ओला उबेर का रेट ठीक करवाइए, हमारे कहने से वन वे सर्विस बंद कीजिए, हमारे कहने से जो प्राइवेट गाड़ियां चलती हैं उनको बंद कीजिए, हमारे कहने से डंके मारी बसें बंद कीजिए। आज अगर डंके मारी बस दिल्ली से लखनऊ के लिए जाती है तो 15-20 टैक्सी का सवारी एक बस ले जाती है। आप सोचिए, दो सवारी 7,000 में जा रही है, 7,000 में आपकी गाड़ी भी लखनऊ जा सकती है, क्योंकि हम लोग संगठित नहीं है। आज अकेला मैं लाल किले पे, पंचकुला रोड पे या किसी भी कोने में जाके लड़ूंगा तो उठा के पीट के मेरे को बंद कर देंगे या बंद करवा देंगे। लेकिन आप सभी संगठित रहेंगे तो किसी की क्या मजाल कि वो हमें देख भी पाए, हमारे एक फोन पे वो गाड़ी बंद भी करेंगे। और कौन सा परमिट उनके पास है? वो बिना परमिट के हमें लूट ही तो रहे हैं। टैक्सी का व्यवसाय खत्म आज करा है तो वॉल्वो ने करा है। हमारा ये टाइम मई का टाइम, आज तो कोरोना काल है मान लिया, लेकिन उससे पहले भी मनाली की गाड़ियां खत्म कर दी गई वाल्वो ने। दुनिया भर की वाल्वो मनाली जाती थी, शिमला जाती थी, चंडीगढ़, गोरखपुर, हरिद्वार, सब ये वाल्वो जा जाके हमारी टैक्सी का व्यवसाय खत्म कर दिया। एक वाल्वो आज की डेट में 3,000 रुपये सवारी का ले रही है और दो सवारियां 6,000 रुपये का। 6,000 रुपये में हमारी गाड़ी 7,000 रुपये में लखनऊ आराम से जाती है और फिर बस स्टैंड पर उतारती है, हमारी गाड़ी उनके घर उतार के आएगी। दोस्तों जागरूक हमें तो होना है, कौन हमारे को काम करने वाला आने वाला है? बैंक से बचना है दोस्तों तो आपको संगठित होना पड़ेगा, वरना एक एक करके हमें वो तोड़ते रहेंगे, मारते रहेंगे। हम ये कहें कि आज हमारे पड़ोसी को पीट रहे हैं तो अगली बारी आपकी मेरे मित्रों होगी। मैं उन सभी मित्रों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, जितने भी संगठन कार्यरत हैं, जितने भी चालक ग्रुप चलाते हैं, मैं सभी से निवेदन करूंगा, मेरे मित्रों आपसी रंजिशें छोड़ दीजिए, कौन बड़ा कौन छोटा छोड़ दीजिए, आप लोग सरकार से लड़ने के लिए तैयार होजिए। आप ऐसी व्यवस्था बनाइए कि हम सरकार से कैसे लड़के अपने भाइयों को बचा पाएं। एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण कीजिए कि जिससे हमें लगे कि हम अपनी जीविका कमाते हुए शर्म महसूस ना करें। हमें अपने परिवार को बताते हुए गर्व हो कि हाँ मैं टैक्सी चालक हूं, टैक्सी मालक हूं, मैं परिवहन पंचायत का सदस्य हूं, मैं स्वाभिमानी हूं। हमें छुपना ना पड़े। बहुत से लोग छुप जाते हैं कि भाई बैंक वाला आएगा। कल एक बैंक वाला आ रहा था, AU फाइनेंस वाला, तो भाई ने मेरे से बात करवाई, बोला जी ऐसे करके किससे नहीं दी। मैं कहा जी मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है, परिवहन पंचायत से हूँ, अपने चेयरमैन साहब से मेरी ये बात उन तक पहुँचा देना कि ये हमारा सदस्य है। आपको यकीन दिला दें कि उस शख्स का दोबारा फ़ोन उस हमारे भाई के पास नहीं है। मैं कोई टोप नहीं हूं, लेकिन आप अगर जब संगठित होंगे, जब आप सब लोग तैयार रहेंगे तो शायद हम कहीं जीत पाएंगे। हमें तो जीतना है मेरे मित्रों, कोई बाहर से तो नहीं जीतेगा। अगर आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए तो आप सभी को प्रयास करना चाहिए। अगर आप प्रयास करेंगे तो सफलता हमारे कदम चूमेगी। हमारा एक ही नारा होना चाहिए सभी लोगों का, जिससे भी बात करो, किसी नेता से बात करो, अभिनेता से बात करो, अधिकारी से बात करो, कि 31 दिसंबर 2022 तक हमारा कोई भी डॉक्यूमेंट का टैक्स या पैसा नहीं लेना सरकार ने, और कोई भी हम किस नहीं देंगे। ब्याज
25% सब्सिडी का प्रावधान है उद्योगपतियों को देने का। हम भी सरकार से निवेदन करेंगे, अगर आप सभी लोग एक हो जाएंगे तो आपका जितना भी लोन है, मान लीजिए आपका 1 लाख लोन है, तो 25,000 रुपये सरकार माफ कर सकती है, ये सुविधाएं आपके पास मिल सकती हैं। लेनी है नहीं लेनी है आपको, आपकी मर्जी है। हम आपको मार्ग बता सकते हैं। आप लाखों रुपए में ब्याज देना चाहते हैं या संगठन के साथ आकर वो लाखों रुपए बचाना चाहते हैं और स्वाभिमान से जीना चाहते हैं। ये मैं आपके लिए नहीं कह रहा, मेरा भी लोन है। हम सब एक हो जाएंगे तो हम सब बच जाएंगे, अन्यथा ना आप बचेंगे ना मैं बचूंगा। सोचना आपने, करना आपने। आपको अच्छा लगे, नंबर आपको दिख रहा है, मुझे कॉल कर सकते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी का। वीडियो को शेयर जरूर करें, अपने साथियों तक भेजाएं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे हमारी ताकत बड़ी हो। जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उतना सरकार हमसे डरेगी। मन आपका है, फैसला आपका है।